अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्रोफेशनल्स? अच्छा, आज का जो टॉपिक था ना हमारा, हम सेल्स टैक्स एक्ट 1990 कवर करेंगे और इसके बारे में जितने सेक्शंस हैं, रूल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सेल्स टैक्स का एक्ट है ना, वो सेक्शंस एंड शेड्यूल्स पे मेनली, अच्छा रूल्स में ज़्यादातर उसके जो प्रोसीजर्स हैं ना, वो ज़्यादातर डिस्क्राइब किए गए कि आपको डेबिट रिटर्न कैसे करना है, हाउ टू फाइल द रिफंड, आपको ऑडिट कैसे होगा आपका, और ये सारी चीज़ें सेक्शन से लिंक कर कर है। जहाँ पे भी आप देखें सेक्शन में लिखा हो एज बी प्रिस्क्राइब, तो एज बी प्रिस्क्राइब का मतलब होता है वो जिस रूल्स में उसके लिखी है उस चैप्टर के, वो जो सेक्शन है उसका, जो सेक्शन है उसका चैप्टर और जो रूल्स के चैप्टर है सारे का। सेल्स सेक्शन जो कानून है ना सर, वो होता है वैल्यू एड पे। वैल्यू एड कैसे होगा? इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर, आपके पास होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, रिटेलर और उसके बाद एंड कंज्यूमर। तभी सेल्स टैक्स का जो नाम होता है वो आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हो गया कि इसका जो अल्टीमेट बर्डन पड़ेगा वो इस चेन में जाके लास्ट में एंड कंज्यूमर के ऊपर आएगा। अच्छा, जो इसका सेक्शन थ्री है ना, ये भी चीज डेफिनेशन में लिखी है। इसकी उस डेफिनेशन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसकी डेफिनेशन को किस तरीके से करना। अच्छा, जो इसके सेक्शन है उसमें शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल जो आता है वो रिटेल एमआरपी वाले प्रोडक्ट्स इन द, जिसमें आप देखते हैं अक्सर ये मैन्युफैक्चरर की होता है। थर्ड शेड्यूल जो होता है मैन्युफैक्चरर टैक्स है और सेकेंडली बात ये होती है, इसके आपने जैसा देखा होगा कि आप वो जो उसका डब्बा लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है प्राइस, उसके बाद जीएसटी लिखी होती है। तो जीएसटी जो होती है मैन्युफैक्चरर की होती है, जो एंड कंज्यूमर को एट लास्ट ट्रांसफर होती है। तो वो थर्ड शेड्यूल आइटम्स है, इनकी कैटेगरी है। फिफ्थ शेड्यूल जीरो रेटेड है। इस फिफ्थ शेड्यूल में भी बहुत बड़ा चेंज आया है जो कि सीरियल नंबर 21 जो था कि अगर आप लोकली किसी को सप्लाई करते हैं और वो अंडर ईएफएस होता है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के थ्रू जो कि कस्टम से मिलता है, वो उसकी जो क्लॉस 21 वो ख़त्म कर दी गई। इसका मतलब है अब आपको स्टैंडर्ड रेट चार्ज करना पड़ेगा, जो ये सबसे बड़ा चेंज आया इसके अंदर। और उसके बाद से शेड्यूल में भी बहुत बड़ा चेंज आया। पहले मिल्क जो था वो फिफ्थ शेड्यूल में था, अब उसको एग्जाम करा दिया, उसको एग्जाम कर दिया, बट दो कंडीशन रखी कि अगर वो किसी कोई ब्रांड नेम में होगा, और दूसरा ये था कि अगर कोई कॉर्पोरेट डेयरी कंपनी अगर कोई सप्लाई करती है, जैसे ऑलपर्स है और डे फ्रेश वाले हैं, या कोई कंपनी जिसका कॉर्पोरेट स्टेटस है अगर वो करेगी तो उसको एग्जाम नहीं। बहुत बड़ा चेंज है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की एक तरह से कि आप जितने इंडिविजुअल्स हैं, जो लोकल हैं, उनको उन्होंने एग्जेम्पशन दी हुई और कंपनीज को 18% के टैक्स ब्रैकेट में ला दिया। तभी आप नोट कर रहे होंगे आजकल हलीम, ऑलपर्स, पाकोला और दूसरे जितने जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस एकदम से शूट अप कर गई है। अच्छा, ये जो कानून था, ये जो सेल्स एक्ट है ना सर, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे चलता है। इसमें बोलने का मकसद क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रखने का मकसद ये है। इनकम टैक्स का जो लॉ है वो पर्सन की इनकम के ऊपर है, प्रोडक्ट और सर्विस पे नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस पर आएगी तो बहुत डिफरेंशिएट आ जाता है, इस वहाँ पे फाइलर नॉन फाइलर का पर बहुत बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं। उसके बाद आपके पास एट शेड्यूल आता है, रिड्यूस रेट के ऊपर आता है कि रिड्यूस रेट किस किस प्रोडक्ट्स पे अपार्ट फ्रॉम दैट रिड्यूस रेट चल रहा होता है। अच्छा, इन शेड्यूल्स में तो आप चल ही रहे, अगर कहीं भी कोई चीज़ इसमें मौजूद नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट 18% आता है। उसके बाद नाइन्थ शेड्यूल है जो कि सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स के ऊपर है। फिर आपके 10th शेड्यूल है जो ब्रिक्स के ऊपर है। उसके बाद आपके पास 11th शेड्यूल आता है, 11th शेड्यूल आता है विद होल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स के ऊपर है। उसके बाद आपके पास 12th शेड्यूल है जो कि आता है स्टील के ऊपर, चार्ट सेल्स टैक्स और स्टील। अच्छा, ये हमने पढ़ा है शेड्यूल्स के ऊपर बात। अब ये आती है कि जो सेक्शन है ना, सेक्शन थ्री, हम आप सेक्शन की तरफ लगते हैं। सेक्शन थ्री ऐसी चीज है जिसके अंदर इसका स्कोप बताया गया है
कि पूरे सेशंस का स्कोप क्या है, किस तरीके से आपको लिंक करना है, क्या किस तरीके से आपको चीजें चलनी होती है, कि आप जैसे बता रहे होते हैं इंटरनल शेड्यूल आइटम को किस तरीके से चार्जेबिलिटी करते हैं, एट शेड्यूल पे कैसे चार्जेबिलिटी करते हैं, कैसे रिफंड लेना है आपको, रिफंड्स किस तरीके से फाइल करना है, फास्टर एक प्रोसेस है, स्टार एक प्रोसेस है, तो किस तरीके से चल रहा होता है उसके ऊपर। अच्छा एट शेड्यूल सेक्शन एट जो है ना, अच्छा मैं कुछ डेफिनेशन आपके बारे में इसमें लिखना चाहूँगा। एक तो है इनपुट टैक्स की, एक है आउटपुट टैक्स की, एक है आपके पास सप्लाईज की, टाइम ऑफ सप्लाई की है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसके बाद आता है टैक्स रिटर्न। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऐसा को मतलब पूरे सेल्स एक्स में दो ही लॉजिक सबसे ज्यादा चल रही होती है, इनपुट और आउटपुट की, और इन सब में बोल देते कि कब आप जीएसटी चार्ज करोगे, सेल्स एक्स कब चार्ज करोगे, कि डायरेक्टली चार्ज कर दोगे उसके ऊपर नहीं, पहले सप्लाई बनाएंगे, सप्लाई बनने के बाद टैक्सेबल सप्लाई बनाएंगे, टैक्सेबल सप्लाई जब बन जाएगी तो उसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज होगा। जीएसटी का सबको रेट पता है, पहले 17 था अभी 18 हो गया, ये बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा उसके बाद कोई भी आपको मतलब पूरा जो सेल्स एक्स का एक्ट है ना वो इस इनपुट एंड आउटपुट पर बेस करता है, और जो सेक्शन 8 है वो उसके ऊपर ही बताते हैं कि कौन से ऐसे सेल्स एक्स इनपुट टैक्स जो हैं आपको नहीं मिलेंगे। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, कि आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने कोई ऐसी परचेजेस की है, आपने कोई ऐसी चीज़ परचेजेस की है जिस जो के बिजनेस पर्पज़ के लिए ना हो, आपने कोई ऐसी चीज़ परचेजेस की है जो के आगे जो टैक्सेबल सप्लाई आप करने वाले हो एग्जाम सप्लाई के लिए हो, सही है ना। ये और भी बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर रिड्यूस रेट होता है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपने परचेजेस की है जो कि प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग बिल्डिंग के ऊपर है, व्हीकल के ऊपर है, वो डिसअलाउ हो जाती है। इसकी डिटेल्स हैं, मैं डिटेल्स आप लोगों से शेयर कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। मैं आपको इसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरह सेल्स एक्ट का पूरा एक्ट चल रहा होता है। अच्छा इसके बाद अब आपकी फॉर एग्जाम्पल मैं कहने चलता हूँ, आपका इनपुट टैक्स अगर 10 रुपये का है, 100 रुपये का, और आपका आउटपुट टैक्स जो आपकी सेल है 80 रुपये, तो आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है कि आप इसका 10% की पेमेंट करें और आपकी 90% की, यानी कि 8 रुपये की पेमेंट करें, बाकी जितना होगा वो आपका आउटपुट टैक्स से आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो ये सेल्स की परचेजेस की जो पेमेंट्स हैं, जो सेक्शन 73 है, वो ये बताते हैं कि आप सेल्स की पेमेंट कैसे करते हैं। ये थ्रू बैंकिंग चैनल होगी, अदरवाइज आपका सेल्स डिसअलाउ हो जाएगा। आपकी परचेजेस जो आपकी इनवॉइस है उसमें आपकी उस जो रिक्वायरमेंट दी गई है सेल्स एक्स की, जो सेल्स एक्स एक्सपेंड इनवॉइस इशू करने की जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर आपने फुलफिल नहीं किया तब भी आपकी सेल्स एक्स हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। एक SRO आया अभी रिसेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट SRO आया, मैं आपको बताना चाहूँगा, SRO 350। ये मैं चार डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा। ये SRO 350 आएगा, इसने पूरा प्रोसीजर चेंज कर दिया। पहले आपको जो रिटर्न पेमेंट आपको करनी 10 तारीख को आपका आउटपुट टैक्स और अपना आउटपुट सबमिट करना होता था एनेक्शन सी के अंदर, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती थी 10% की है, जितना भी आपका आउटपुट टैक्स बनता 15 तारीख तक, और अब जो हो गया 18 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करना था। अब इन्होंने क्या कर दिया, 15 तक आपने पेमेंट तो कर दी, पेमेंट तो आपने कर दी 15 को, लेकिन मुझे 18 तारीख को जो रिटर्न फाइल करेंगे ना वो प्रोविजनल रिटर्न होगा, यानी कि IFPR उस चीज़ को उस रिटर्न को पहले एनालाइज करेगा कि आपने जितने भी इनपुट टैक्स लिए हैं क्या सामने वाले आपके बायर आपके जो आपका सप्लायर है उसने अपने आउटपुट की पेमेंट कर दी है। अगर आपने पेमेंट नहीं की और आपने वो इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ उसको स्टेटमेंट डिसअलाउ कर देता है, उसको इनवॉइस से निकाल देता है, केवल आप इसकी पेमेंट नहीं अगली दफा लेना,
बाद में खत्म नहीं करता, उड़ा नहीं करता, डिलीट नहीं करता उस लाइन को, उस पीरियड टेक्स्ट पीरियड के लिए उस मंथ में तो डिलीट कर देगा, लेकिन उसको आपका क्लेम उसको आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये चेंज आई क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये चेंज आई इसलिए है क्योंकि रिटेलर्स होते हैं ना बहुत सारे, जो रिटेलर होते हैं वो फ्लाइंग इनवॉइस का कॉन्सेप्ट बहुत है इस पूरे पाकिस्तान में, कि आपने फ्लाइंग इनवॉइस कर दी, उसको आपने पेमेंट तो की नहीं और वो अक्रूअल बेसिस है, आपने पेमेंट तो की नहीं, 180 दिन के अंदर बोलेंगे मैं कभी भी पेमेंट कर दूंगा, तो ये फ्लाइंग इनवॉइस चल रही है, कोई पता ही नहीं होता। तो IPL ने बोला नहीं नहीं, जब तक आप पेड नहीं करोगे हम उसका इनपुट टैक्स आपको नहीं देंगे। हाँ, इसमें कुछ गुंजाइश इन्होंने दी है, कुछ रिलैक्सेशन दी है, जैसे गैस कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं और दूसरे लोग थोड़े से जो रिटेलर्स के नहीं नहीं उनके ऊपर रिलैक्सेशन दी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होता है या टेलीफोन का बिल जो होता है उसको तो उनको पता था, गवर्नमेंट एरिया वो है, अथॉरिटीज है कि तो पे कर ही देंगे, कि फ्लाइंग इनवॉइस हो नहीं सकते। तो ये कुछ चीज़ें ऐसा में 350 बहुत इंपॉर्टेंट आया है, इसमें बहुत चेंजेस आई हैं। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है, अगर आप मजीद को डिटेल देखेंगे सर तो मैं आपको उसका डिटेल बैकग्राउंड और भी ब्रीफली कर सकता हूँ, जितना ड्यूरेशन होगा मेरे पास मैं उसको और ब्रीफली भी करूँगा। ये डेफिनेशंस मैं इंपॉर्टेंटली मैं बता दूंगा कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इन डेफिनेशंस भी सारी गेम होती है, इन इन डेफिनेशंस की बेसिस पे ही 18% की चार्जेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पूरा सेसेक्स का एक और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, कैसे रिफंड लेते हैं एक्सपोर्ट्स, ये पूरा एक टॉपिक है, ये पूरा एक टॉपिक है थ्रू एनएचएल, क्योंकि मैंने इसमें काम किए हैं इसके से मैं बता सकता हूँ एनएचएल इस पर, क्योंकि पूरा एनएचएल इसमें किस तरीके से काम करते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह इसमें बता दूंगा इस इसके में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आपके पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पास डेफिनेशन बताओ पूरा का पूरा सेशन का है, स्कोप सेक्शन 8 पे, सेक्शन 73 पे, और रिटर्न फाइल करने के ऊपर आता है, तो इनवॉइसिंग के पास है इस एस की इनवॉइस किस तरह की जाए। अगर आप मतलब आपकी कोई सजेशन होगी मैं इसको और एलोब्रेट कर दूँगा, अभी तो मैं ब्रीफ किया है, मेरा कंसर्न पूरा इस चीज़ में ऐसे ही चलेगा, तो अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको भी जवाब करने की कोशिश।